नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रहे रवि किशन और वर्तमान में मौजूदा बीजेपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने हाल ही में एक ऐसा बयान दे डाला है जिसे सुन सभी लोग ताज्जुब हो रहे हैं कि रवि किशन जैसे मंझे हुए कलाकार के साथ ही ऐसा हो सकता है, यकीन नहीं होता। खैर, आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। रवि किशन ने ब्रट इंडिया को अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि मैंने अपने बॉलीवुड करियर यानी हिंदी फिल्मों में धर्मेंद्र, श्रीदेवी और सलमान खान जैसे बड़े नामी चेहरों के साथ काम किया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मेरा बॉलीवुड करियर टेक ऑफ नहीं ले सका जैसा मैंने सोचा था। मैं यहाँ अपनी उस तरीके से पहचान नहीं बना पाया जैसा कि मैंने सोचा था, जिसके चलते मुझे बहुत ठेस पहुंची और फिर मेरे अंदर बेहिसाब गुस्सा पनपने लगा, जिसके कारण ना चाहते हुए मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख कर लिया। लेकिन हमें तो ये लगता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वरना आज हमें एक भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार नहीं मिल पाता जो एक्टिंग से लेकर गायकी तक बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। बस उस समय वो मंच रवि किशन की ताजपोशी के लिए तैयार नहीं था, इसे वक्त का तकाजा कह सकते हैं। खैर, इस बात को कतई दरकिनार नहीं कर सकते कि रवि किशन ने ही भोजपुरी सिनेमा को देश और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलवाई। आज यही रवि किशन है जो बॉलीवुड फिल्मों में अब अपने कैरेक्टर रोल्स के लिए जाने जाते हैं, अपनी वर्सटाइल एक्टिंग स्किल्स से सभी का दिल जीतते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने साउथ की इंडस्ट्री में भी अपना अच्छा खासा नाम बनाया है। अब तो वे वेब सीरीज में भी डेब्यू कर चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, रवि किशन की पहली हिंदी फिल्म 1992 में आई फिल्म पीताम्बर थी, जबकि इनकी पहली भोजपुरी फिल्म साल 2003 में आई सैया हमार है, जबकि इनकी ही 2005 में रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म कब हुई गवनवा हमार ने पहली बार नेशनल अवार्ड में फीचर फिल्म का अवार्ड जीता था। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।